योगी के सरकारी आवास पर इसराइल के एक डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की और इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन की अगुवाई में पहुंचे इस डेलीगेशन ने यूपी चुनाव की जीत पर सीएम योगी को बधाई दी। साथ ही इस दौरान यूपी में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। क्या कुछ हुआ इस बैठक के दौरान, आइए आपको बताते हैं। भारत और इसराइल के बीच मजबूत संबंध है, ये बात पूरी दुनिया जानती है और अब इसराइल से यूपी के रिश्ते भी और मजबूत होते दिख रहे हैं। दरअसल लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास कालिदास मार्ग पर इसराइल से आए डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की। इजरायली राजदूत नाओर गिलोन की अगुवाई में पहुंचे इस डेलीगेशन के सदस्यों ने सीएम योगी को विधानसभा चुनाव में मिली जीत की बधाई दी, जिस पर सीएम योगी ने भी आभार जताया। वहीं अब आपको बताते हैं कि इसराइल के डेलीगेशन से सीएम योगी की ये मुलाकात क्यों अहम है। रक्षा उत्पाद के मामले में इसराइल काफी आगे है। डिफेंस कॉरिडोर में इसराइल काफी मदद कर सकता है। रक्षा उत्पाद को लेकर इसराइल भारत की मदद कर सकता है। कृषि के आधुनिकीकरण में इसराइल की पूरी दुनिया मुरीद है। किसानों को पानी मुहैया कराने में इसराइल मददगार साबित हो सकता है। इसराइल की पुलिसिंग व्यवस्था दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है। वहीं सीएम योगी ने इसराइल के डेलीगेशन के साथ हुई मुलाकात को बेहद अहम बताया। अब आपको ये भी बताते हैं कि सीएम योगी ने इस मुलाकात को लेकर क्या खास बातें कही। सीएम योगी ने बताया कि इसराइल की मदद से बस्ती और कन्नौज में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने हैं। हॉर्टिकल्चर और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए दोनों सेंटर बनाए गए हैं। डिफेंस कॉरिडोर में इसराइल के लिए निवेश के बड़े मौके हैं। सीएम ने कहा कि हमारे पास बड़ी जमीन है और पर्याप्त मानव संसाधन है। इसराइल की हथियार कंपनियों को इससे फायदा हो सकता है। इसराइल की पुलिसिंग व्यवस्था का फायदा यूपी को मिल सकता है। बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए इसराइल मदद कर सकता है। बुंदेलखंड में पेयजल के लिए भी इसराइल की मदद मिल सकती है। भारत और इसराइल के बीच मजबूत सामरिक और रणनीतिक संबंध है। ऐसे में यूपी में बनने वाले डिफेंस कॉरिडोर के लिए अगर इसराइल निवेश करता है तो ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद रहेगा। वहीं खेती और हॉर्टिकल्चर के साथ साथ पानी के प्रबंधन में भी दुनिया इसराइल का लोहा मान चुकी है। ऐसे में अगर इसराइल यूपी की मदद करता है तो यहाँ के लोगों को भी शानदार टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक